ध्यान दें, इसके पहले हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे और उस पर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड और जेई मेन वगैरह में 2021 तक जो आए हुए थे, ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। इसके बाद हम शुरू करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन से जो इनवर्स है ये ज़्यादा बेहतर हो, मतलब ये बोर्ड के लिए ज़्यादा बेहतर है। और बाकी अगर कंपटीशन में पूछता है इनवर्स तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक ही ज़्यादा बेहतर होता है। फिलहाल वो भी मैं बताऊंगा। तो दोनों आपको पहले ये समझना है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होते हैं मैट्रिक्स पर। देखिए यहाँ पे दो तरह के ऑपरेशन हैं। पहले तो रो ऑपरेशन, और दूसरा है कॉलम ऑपरेशन। रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दोनों ही तीन तरह के होते हैं, तो हम रो ऑपरेशन के माध्यम से आपको बताएंगे कि वो तीन तरीके कौन कौन से हैं। जैसे पहला पार्ट फर्स्ट हम ले लेते हैं कि इंटरचेंजिंग रोज, दैट मीन्स अगर हम चाहें तो सबसे पहले हमें ये सीखना, हमें ये समझना है कि मैट्रिक्स में ऐसे अगर लिखा गया तो ये है पहला रो, उसको R1 से लिखेंगे, ये दूसरा रो है इसको R2 से लिखेंगे, इसी तरह से तीसरा और ऐसे आगे भी। इसी तरह से यहाँ देखिए, ये पहला कॉलम इसको C1 से लिखते हैं, ये दूसरा कॉलम इसको C2 से लिखते हैं, ये तीसरा कॉलम हो गया इसको C3 से लिखेंगे, और भी C4 C5 जो भी करना चाहेंगे आगे इसमें देखें। तो हमें रो ऑपरेशन में पहला होता है इंटरचेंजिंग मेथड, या फिर उसको हम कह सकते हैं एक्सचेंज करना। जैसे कि हम क्या करेंगे, R1 को R2 से एक्सचेंज कर दिया, R2 को R3 से, दो पंक्तियों को आपस में बदल दिया। बदलने के बाद जो मैट्रिक्स हमें मिलता है उसको इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हम कहते हैं, तुल्य आप भी कहते हैं। जैसे अगर A=2 दिया हुआ है 3, 5, 7, 0, 1, 2, 3, 0, 1 ऐसे दिया हुआ है। अब हम अगर यहाँ पे कोई ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं, जैसे हमने क्या किया, R2 को R3 से इंटरचेंज कर दिया, तो हमें यहाँ पर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिल गया। हमें करना क्या है, R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर देना है, जबकि R1 अपने जगह पे ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। आप देखेंगे तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3, 0, 1 लिखेंगे, यहाँ पे 0, 1, 2 लिखेंगे, लेकिन ये मैट्रिक्स मिलेगी, इसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इसी तरह के दूसरा जो ऑपरेशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी पंक्ति या किसी भी पंक्ति के स्थान पर किसी अदिश से गुणा करके उस पूरे पंक्ति में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके फिर हम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर A=2 है 2501 और यहाँ हम क्या करते हैं R1 में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, R1 के जगह पे हम क्या लिखेंगे 3×R1, तो हमें जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा अब ये है R1, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 मिलेगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, या बाकी ऐसे ही रह जाएगा। तो इस तरह से यह ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं, दूसरा वाला। ऐसे ही तीसरा जो ऑपरेशन है, किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी पंक्ति के स्थान पर उसमें से किसी दूसरे पंक्ति को किसी अदिश से गुणा करके जोड़ देना या घटा देना, फिर ऐसे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिल जाता है। बाकी हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं NCERT का, ये है क्वेश्चन नंबर 2, 2, 1 और उसके बाद क्या है 1, 1, ये है एक क्वेश्चन। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमने पहले बता दिया आपको कि जो ऑपरेशंस हैं
हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो ऑपरेशन आप सीख गए और फिर क्वेश्चन के माध्यम से फिर मैं बताता है। अब यहाँ देखिए जो इनवर्स है वो है क्या चीज, इनवर्स का डिफरेंशन क्या है। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स ए टू द पावर माइनस वन एंड ए इनवर्स दैट मीन्स ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये इसका डिफिनेशन है। ए का इनवर्स ए से जब मल्टीप्लाई करेगा तो आइडेंटिटी मिल जाएगा, यही इसका फंडामेंटल डेफिनेशन है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के विषय में अच्छी तरह से आपको जानकारी है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि देखें आप, अगर हम चाहें हमारा प्रोसेस क्या है, एलिमेंट्री मेथड क्या है, प्रोसेस क्या है कि अगर हम चाहें तो ए की जगह पे ए इंटू आई लिख सकते हैं, ऐसे समझ गया, ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए इंटू आई लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब हमें करना क्या होता है, देखिए यहां पे समझ लीजिएगा, ए को हम ट्रांसफर कर लेते हैं आई में, कैसे ट्रांसफर करते हैं, बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, क्लियर हो गया ना, कैसे कैसे ट्रांसफर करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा ए को हमें ट्रांसफर करना है आई के फॉर्म में। और फिर देखिए ए ऐसे ए अपने जगह पर रह जाएगा, ध्यान दीजिएगा, और आई एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के रूप में चेंज हो जाएगा जिसे हम बी मान लेते हैं। फिर क्या बन गया, आई इज इक्वल टू ए इंटू बी। फिर हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आई के जगह पर ए इंटू ए इनवर्स लिख लेंगे और यहाँ आप देख पा रहे हैं ए इंटू बी है, फिर ए और ए यहाँ से हट गया तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आ गया बी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आई बदल के बी बन गया था वही बी ही क्या है, इनवर्स है ए का। अभी देखिए और क्लियर हो जाएगा जब हमें एग्जाम्पल लेके चलेंगे। अब देखें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे ए इज इक्वल टू टू वन वन वन। अब आगे देखते जाएं आप, हमें क्या करना है, वो प्रक्रिया अप्लाई करना है, तो ए इज इक्वल टू ए इंटू आई। अब इस ए के जगह पे ये वैल्यू रखेंगे मैट्रिक्स की टू वन वन वन, और ये वाला ए अपने जगह पे होगा, और आई के जगह पे चूंकि ये दो गुड़े दो की मैट्रिक्स है तो यहाँ पर आइडेंटिटी भी हम दो गुड़े दो की बना लेंगे। अब हम यहां इस क्वेश्चन को हम दो तरह से आपको बताएंगे, एक तो रो ऑपरेशन और फिर इसी क्वेश्चन को हम कॉलम ऑपरेशन के जरिए भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो रो ऑपरेशन देखिए हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन में जब आप इनवर्स निकालने जा रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा, तो जो ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे एक बार पूरे क्वेश्चन में हमेशा वही ऑपरेशन चलता रहेगा, उसी में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अगर आपने शुरू कर दिया आर ऑपरेशन से तो पूरे क्वेश्चन में केवल आर ऑपरेशन ही अप्लाई होगा, कोई बीच में जो कॉलम ऑपरेशन है मतलब वो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हम अब यहाँ से आर ऑपरेशन शुरू करेंगे तो केवल आर ऑपरेशन ही करेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल है, सबसे पहले हमें देखो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है, वन यहाँ पे लाना होगा। वन लाने के लिए पहले हम एक ही देख रहे हैं, आर वन की जगह पे हम क्या करते हैं, आर वन माइनस आर टू कर देते हैं, यानी इसमें से इसको घटा के लिखते हैं तो हमारे पास मिलेगा, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो वन मिलेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो जीरो मिलेगा, और बाकी अपने जगह पर है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं। और यही काम आपको यहाँ भी करना है, इसमें से इसको घटाया तो
तो 1 ही मिला, लेकिन इसमें से इसको घटाया तो -1 आया और ये आपका 0-1 हो जाएगा। अब आगे आप बढ़ेंगे तो फिर ऑपरेशन ही करना है, कॉलम ऑपरेशन आप नहीं कर सकते जैसा कि पहले आपको बताया गया। अब आप देखिए यहां हमें लाना है 0, ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, R2 के स्थान पर R2-R1 करने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें से इसको घटाएं तो ये तो ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 1-1 जीरो हो जाएगा और 1-0 ये आपका 1 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हुआ, ये अपने जगह पे है। अब देखो ये ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन इसमें से इसको घटाओगे तो -1 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो यहां पे 2 आ जाएगा। अब आप समझ गए होंगे लगभग। अब इसके जगह पे हम लिख लेंगे आई, यही है ही, और ये इज इक्वल टू हो गया ए इंटू दिस, यानी 1-1-1 एंड 2। फिर देखो इस आई के जगह पर हम लिखेंगे ए इंटू ए इनवर्स एंड दिस इज इक्वल टू ए और बाकी है 1-1-1 2। फिर ए से ए कैंसिल हुआ और हमारे पास आ गया ए इनवर्स इज इक्वल टू 1-1-1 2। तो ये आपका ए का इनवर्स निकल गया। देखो ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, जो आई से ट्रांसफर करके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बना हुआ था वही बन गया ए इनवर्स। तो ये जो प्रक्रिया है, जो मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस होते हैं बहुत ही मजेदार होते हैं, अगर आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन करने में बहुत मजा आपको आएगा। तो ये क्वेश्चन हमने बता दिया, तो आप इसको जल्दी से उतारें, फिर इसी क्वेश्चन को अभी हम कॉलम ऑपरेशन के जरिए बताएंगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा। चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो, 2×2 का मैट्रिक्स हो या फिर 3×3 का मैट्रिक्स हो, 4×4 का मैट्रिक्स हो, जो भी हो आप उससे डरेंगे नहीं, सॉल्व करते जाएंगे आसानी से वो आ जाएगा। इसको उतारना जल्दी से। हाँ, अब देखें इसी क्वेश्चन का कॉलम ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू दिस मान लिया। अब हम इसको, हमने आपसे बताया था क्या लिखना था, ए इज इक्वल टू ए इंटू आई। फिर हम क्या करेंगे, ए के जगह पर क्या लिखेंगे, 2-1-1-1 और ए इंटू आई, आई के जगह पे 1-0-0-1। अब यहाँ कॉलम ऑपरेशन के जरिए इस क्वेश्चन को करेंगे, ये ध्यान से समझिए हमें क्या करना है। अब कॉलम, तो हमें यहाँ 1 लाना है, देखो यहाँ 1 लाना है, तो C1 के जगह पर हम लिखेंगे C1-C2। तो फिर देखो क्या, इसमें से इसको जब हटा दिया तो 1 आ गया, ठीक है भाई, और इसमें से इसको हटा दिया 0 आ गया, और बाकी ये अपने जगह पे ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे ही जब यहाँ पहुँचेंगे आप, तो इसमें से इसको घटा दिया 1 आ गया, लेकिन इसमें से इसको घटा दिया तो -1 आ गया, और बाकी ये अपने जगह पे ऐसे ही रहेगा। फिर आगे नहीं पढ़ेंगे, आगे हमें क्या करना, हमें यहाँ पे लाना था 0। अब देखो क्या करेंगे, C2 के जगह पर हम क्या करेंगे, C2-C1 कर देंगे। तो फिर आपके पास देखो क्या बचा, ये ऐसे लिखा जाएगा अब, लेकिन यहाँ पर इसको में से इसको घटा के लिखेंगे, ये 0 हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 1 ही रह जाएगा। अब आप देख लो ये यहाँ पे आ गया और 1 आ गया, 0 आ गया, -1 आ गया, 1 आ गया, ठीक है। हाँ, यहाँ मैंने घटाया नहीं, इसमें से इसको घटाओगे तो -1 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब आगे थोड़ा सा बढ़ जाओगे, इसको हम आई लिख लेंगे, और आगे जब बढ़ेंगे तो ये हो गया ए, और यहाँ पर आपके पास 1 एंड -1 -1 एंड 2। फिर क्या करेंगे, ए इंटू ए इनवर्स इसके जगह पे लिख देंगे, ए हो गया और 1-1-1-2, ठीक है। अब क्या हुआ, ए से खत्म हुआ, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1-1-1-2 आ गया। ये देख लो, आप मिला लो जो पहले आया था वही अब भी आया। तो चाहे आप कॉलम ऑपरेशन के जरिए क्वेश्चन कराएं, चाहे आप रो ऑपरेशन के जरिए कराएं, आंसर एक आएगा। दूसरी बात आप समझना कि अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि आप किस ऑपरेशन से सॉल्व करें, तो आपकी मर्जी, जैसे चाहे हल कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं आपसे कहूँगा कि अगर रो ऑपरेशन शुरू करेंगे तो पूरे क्वेश्चन में रो ऑपरेशन ही चलेगा, और अगर आपने कॉलम ऑपरेशन शुरू किया तो पूरे क्वेश्चन में कॉलम ऑपरेशन ही चलेगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि रो ऑपरेशन के जरिए करिए, तो आपको हर हाल में रो ऑपरेशन के जरिए ही करना है, नहीं तो नंबर आपका कटेगा। तो जैसा इंस्ट्रक्शन होगा उसी हिसाब से क्वेश्चन को आप ध्यान दें।
एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है 3.4 मैट्रिक्स का, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इसके पहले बताया, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 का मैंने लिख दिया 12 तक। तो ये 2×2 के ही मैट्रिक्स हैं और सब में एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही इन्वर्स निकालना है। तो अब जैसे देखिए तीसरा क्वेश्चन, तो आपको पता है कि सबसे पहले ए इज इक्वल टू मान लेंगे, फिर देखो ए इज इक्वल टू ए इंटू आई मान लेंगे, ए की जगह पे रख देंगे, ए यहाँ है और ये देखो आई की जगह पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ आर ऑपरेशन के जरिए ही इसे सॉल्व किया जा रहा है, तो आर टू के जगह पर आर टू माइनस टू आर वन कर दिया। वजह देखो, पहली बात तो यहाँ से वन ही हमें चाहिए, इसे हम नहीं बदलेंगे। अब सबसे यहाँ हमें जीरो चाहिए, पहले से हम जीरो लाते हैं, तो इसमें से इसको हटाएंगे 2 का गुणा करके, तो ये आपका देखिए यहाँ पर दिस यानी 2 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 0। और ऐसे ही काम यहाँ करना है 7 माइनस 3 इंटू 6 यानी 7 माइनस 6 3 इंटू 2 यानी 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 आ गया। यही काम यहाँ भी करना पड़ेगा, इसमें से 2 का गुणा करके इसको हटाएंगे तो -2 यहाँ पे आ जाएगा, और इसमें से गुणा 0 में किसी का गुणा करके हटाएंगे तो 1 ही रह जाएगा। फिर इसके बाद देखो यहाँ हमें 0 चाहिए, तो अब हम R1 में से इसमें 3 का R2 में 3 का गुणा करके हटा देंगे, तो R1 में से 3×0 करेंगे तो ये आपका 1 ही रह जाएगा, लेकिन 3 में से जब 3×1 करेंगे घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। यही काम यहाँ करेंगे, तो 1 माइनस 3×-2 यानी 1 माइनस एंड माइनस 6 दिस इज 1+6 दैट इज 7, और इसी तरह से 0 माइनस 3 इंटू 1 दैट इज -3। इसके बाद ये आपका आइडेंटिटी है, यहाँ पे आई लिख दिया, ये ए इज इक्वल टू इंटू दिस हो गया, फिर ए इंटू इनवर्स, ए से कैंसिल हो गया, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब हमने बताया था कि अब हम ये प्रोसेस तो क्लियर हो गया होगा, इसके पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, इसीलिए इसको जल्दी में हमने बता दिया। अब एक शॉर्ट मेथड क्या है इनवर्स निकालने का, अगर कोई मैट्रिक्स इस तरह से है, देखो ध्यान से, यहाँ पे 2×2 के लिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, तो जरा ध्यान से देखना। अब हम इनवर्स डायरेक्ट निकालें तो ये 1/ हम क्या कर देते हैं AD-BC, और यहाँ जरा ध्यान से देखना, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, यहाँ पे डी लिखेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे, और ये जैसे है वैसे रहेगा, माइनस लगा देंगे भाई। अभी समझ गए कि नहीं समझ गए? अब देखो पहले इसी क्वेश्चन को आप जाँच करो, अब इसमें डायरेक्ट अगर हम इनवर्स निकालें, हम देखो यहां लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए आप, डायरेक्ट इनवर्स लिखाना, तो 7 × 1 7 एंड -6 दैट इज 1/1 हो गया। अब देखो मैंने क्या कहा, इसको इंटरचेंज करना है 7, देखो ध्यान से, तो यहां पर 7 हो गया, यहां पर 1 हो गया, और इसमें जैसे है वैसे ही हमने लगा दिया माइनस। अब इसको आप मिला लीजिए, 1/1 का मान 1 ही होता है, आप देख लीजिए सेम आ गया कि नहीं आ गया। अब हम देखेंगे, आपको बताने जा रहे हैं, ये देखो आप डायरेक्ट अगर इसका निकालना है तो देखो इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले देखो 2×7 कितना होगा 14 एंड -15 दिस इज -1, तो ये देखो 1/-1, और बाकी का प्रोसेस तो बड़ा आसान था, इसको इंटरचेंज करना है, 7 यहाँ लिखना है, 2 यहाँ लिखना है, इन दोनों में सीधे सीधे माइनस लगा देना है। अब इस माइनस के वजह से अब चाहो तो -1 हुआ, इसका मल्टीप्लाई करोगे -7 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, आंसर आप मिला लेंगे, हर हाल में यही मिलेगा। इसका अगर निकालना है तो आप देखो सीधे सीधे ए इनवर्स की वैल्यू देखो कितनी हो जाती है, 2×4 8 हुआ, -7×1 1/1 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको चेंज करो 4 हो गया, 2 हो गया, इसमें माइनस लगा दो, -1 -7 आंसर आ गया। तो हमें लगता है कि आप सीख गए होंगे, एक और बता दें और क्लियर हो जाए, यहाँ देख लो, जो लोग अभी तक नहीं समझे आप समझ लो, तो 2×3 दिस इज 6 एंड -5 दिस इज 1, तो 1/1 हुआ, और बाकी देखो हमने क्या बताया कि इसको चेंज कर लेंगे सिंपली, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, आपका आंसर आ गया। तो कंपटीशन में अगर आता है तो विद इन 5 सेकेंड आप आंसर निकाल लेंगे, और बाकी अगर बोर्ड परीक्षा में आता है तो जो प्रोसेस बताया गया है उसी तरह से आप सॉल्व करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में एटलीस्ट 1 क्वेश्चन हर हाल में आएगा। और प्रोसेस मैंने इतना आसानी आसान बताया, साफ सुथरा बताया, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 2×2 की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का एलिमेंट्री जो
ऑपरेशन के जरिए निकाला जाता है वो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद कल 3×3 वाला हम आपको बताएंगे। यस सर।